जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मस्ट विजिट प्लेसेस पे। दोस्तों, ये वीडियो माता रानी के भक्तों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट रेट बताऊंगा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाओं के। वीडियो देखने के बाद आप जान सकोगे हेलीकॉप्टर का फेयर कितना है, बैटरी कार की टिकट कितने की है, रोप वे के चार्जेस क्या क्या हैं, भवन कटरा और अर्धकुमारी पर रूम बुकिंग का कितना चार्ज है, घोड़े पिट्ठू और पालकी का क्या खर्चा है। दोस्तों, ये डिटेल देने से पहले मैं आपको बता दूं कि श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली कई सुविधाएं आप ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको इस लिंक पर जाकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करते ही आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर मेल पर मिल जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप श्राइन बोर्ड द्वारा दी गई सुविधाओं को ऑनलाइन घर बैठे ही बुक कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं हेलीकॉप्टर रेट्स की। कटरा से सांझी छत, जो कि हेलीकॉप्टर का ड्रॉप पॉइंट है, हेलीकॉप्टर सर्विस के रेट हैं 1830 रुपये पर पर्सन, और सांझी छत से कटरा का भी 1830 रुपये पर पर्सन। मतलब अगर आप आने और जाने दोनों का टिकट करवाते हो तो आपको 3660 रुपये देने होंगे, और अगर एक साइड का करवाते हो तो 1830 रुपये देने होंगे। दोस्तों, हेलीकॉप्टर की बुकिंग यात्रा की डेट से 60 दिन पहले सुबह 10 बजे ऑनलाइन खुलती है। 10 बजे स्लॉट्स खुलते ही 2 से 4 मिनट में सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है तो कोशिश करो एग्जैक्टली 10 बजे ट्राई करो। हेलीकॉप्टर की यात्रा में 2 साल तक के बच्चे पेरेंट्स की गोद में अलाउड हैं, उनका टिकट नहीं लेना होगा। बात करते हैं बैटरी कार की बुकिंग की। ये फैसिलिटी भी आप ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक कर सकते हो। बैटरी कार आपको अर्धकुमारी से मिलेगी और भवन पर छोड़ देगी, और वापसी में भवन से अर्धकुमारी तक मिलेगी। इनके रेट्स की बात करें तो अर्धकुमारी से भवन जाने का रेट है 354 रुपये पर पर्सन, और वापसी में भवन से अर्धकुमारी आने का रेट है 236 रुपये पर पर्सन। बैटरी कार में भी छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की गोद में अलाउड है, उनका अलग से टिकट नहीं लेना है। दोस्तों, अब बात करते हैं रूम बुकिंग की या डॉर्मेटरी बुकिंग की। देखिए, यहाँ वेबसाइट पर रूम बुकिंग का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आप कटरा में या भवन पे या अर्धकुमारी पर रुकना चाहो तो ऑनलाइन रूम या डॉर्मेटरी बुक कर सकते हो। भवन पर वैष्णवी भवन में 11 कमरे हैं जिनके रेट 900 रुपये पर कमरा है, और गौरी भवन में 6 कमरे हैं जिनके रेट 1450 रुपये पर कमरा है। इसके अलावा अर्धकुमारी और सांझी छत पर भी रूम्स अवेलेबल हैं जिनके रेट 700 रुपये पर रूम है। दोस्तों, कटरा और जम्मू में भी रुकने के ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहो तो होटल लेने के बजाय इनको भी बुक कर सकते हो, यहाँ भी सुविधाएं अच्छी हैं। अगर डॉर्मेटरी बुकिंग की बात करें तो भवन के पास बने मनोकामना भवन में 40 डॉर्मेटरी बेड हैं जिनका किराया 120 रुपये पर बेड है। वहीं अर्धकुमारी में 135 बेड हैं जिनका किराया भी 120 रुपये पर बेड है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि कटरा में जम्मू कश्मीर के बाहर के प्रीपेड मोबाइल नंबर काम नहीं करते। ऐसे में आपको कटरा में टूरिस्ट सिम कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर जियो के यात्री सिम कार्ड के प्लान की डिटेल देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोपवे सर्विसेज की। रोपवे माता के भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक चलता है। इसके चार्जेस 100 रुपये पर पर्सन है, 100 रुपये में आना और जाना दोनों इंक्लूडेड है। दोस्तों, रोपवे की टिकट की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती, इसके लिए आपको वहीं लाइन में लगकर काउंटर से ही टिकट लेना होगा। अब करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, घोड़े पालकी और पिट्ठू के रेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले पालकी का डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप कटरा से अर्धकुमारी जाना चाहते हैं तो आपको पालकी के 1750 रुपये देने होंगे। अगर आप कटरा से भवन वाया भैरव होके जाना चाहते हैं तो आपको पालकी के 4500 रुपये देने होंगे। अगर आप सांझी छत, जो कि हेलीकॉप्टर का ड्रॉप पॉइंट है, वहाँ से भवन जाना चाहते हैं तो आपको 1400 रुपये देने होंगे पालकी वाले को। अगर आप भवन से भैरव जाना चाहते हैं तो आपको पालकी के 1000 रुपये देने होंगे। अगर आप भवन से कटरा वापसी करना चाहते हैं तो आपको पालकी के 3650 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आप भैरव बाबा से कटरा की वापसी करना चाहते हैं तो आपको पालकी के 3950 रुपये देने होंगे। अब बात करते हैं घोड़े, या कि जिसे हम पोनी भी बोलते हैं, इनके रेट क्या क्या हैं। अगर आप घोड़े से बाढ़ गंगा से अर्धकुमारी जाना चाहते हैं तो आपको 650 रुपये देने होंगे। अगर आप बाढ़ गंगा से डायरेक्टली भवन जाना चाहते हैं तो आपको 1250 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आप सांझी छत से भवन जाना चाहते हैं तो आपको 350 रुपये देने होंगे।
भवन से भैरव जाना चाहते हैं तो 450 रुपये देने होंगे। अगर भवन से बाणगंगा की वापसी करना चाहते हैं वाया भैरव बाबा होते हुए तो 1650 रुपये देने होंगे, और अगर भैरव बाबा से बाणगंगा वापस आना चाहते हैं तो 1250 रुपये देने होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सारे रेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं और टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कभी कभी जब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो घोड़े और पालकी वाले मनमाने रेट्स भी चार्ज करते हैं। दोस्तों, मैंने कोशिश करी है कि सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।